इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों मैं हूं देवव्रत अग्रवाल और ये है मेरे कौन सा बैच है, जून जुलाई अगस्त 28 अगस्त का मेरा बैच है, जिसमें ये मेरे स्टूडेंट हैं जो बहुत दूर दूर से आया। जैसे कि मैं एक से मिलवाना चाहूंगा, अपना नाम बताओ। मेरा नाम दर्शन सिंह है। कहाँ से आए हो? मैं साउथ कोरिया से आया हूँ। साउथ कोरिया से, जैसे आपने देखा ये हमारा स्टूडेंट आया हुआ है सीधे यहाँ पर हमसे सीखने के लिए, तो ये बहुत एक यही अचीवमेंट है मेरा कि इतनी दूर से बच्चा यहाँ पर पढ़ने के लिए मेरे पास आया हुआ है। और ये तो बहुत दूर से आए हैं। मेरा नाम शहाबुद्दीन है और मैं मद्रास से आया हूँ। मद्रास से आए हैं और मद्रास से और भी दूर है, और भी दूर है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट से भी घूम कर आए हैं। ठीक है, चलो उनका नाम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अभी हमारी कितने दिन की क्लास हुई है? अभी हमारे तीसरा दिन का क्लास है, 28 तारीख, 29 और आज कौन सा दिन है? 30। तो 30 दिन के क्लास का हम यहाँ पे आउटपुट देख रहे हैं, जो आज हम देखेंगे कि जितने भी मोबाइल में कंपोनेंट होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, कपलर, ये उनकी चेकिंग, उनकी ट्रेसिंग, उनका कैसा देखते हैं, सारी चीजें ये हमारे बताएंगे हमारे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमारे पास में आएंगे हमारे मद्रास के स्टूडेंट, आओ तो इनसे हम पूछेंगे सारी चीजें। बताइए, पूछिए। रजिस्टर को कम करने का होता है, बताइए, पूछिए। रजिस्टर को कैसे जानेंगे कि सर ओपन है? रजिस्टर को कैसे पता चलेगा? रीडिंग ही नहीं आएगा उसमें। वेरी गुड, ओपन आएगा, वन, नो रेजिस्टेंस। पूछो कुछ। अपने रजिस्टर का वो लीकेज कैसे पता चलेगा? मान ज्यादा आ जाएगा उसका, मान ज्यादा आएगा, तो चेक करेंगे तो उसका हजार के ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। रजिस्टर के प्रकार 5-6-7 के होते हैं, और नॉर्मल रजिस्टर है और कोर रजिस्टर है और फिश रजिस्टर भी है, इसके बाद में थर्मिस्टर है, उसके बाद में वीडीआर भी है, वीडीआर भी है, डबल रजिस्टर भी, डुअल रजिस्टर, पैकेज रजिस्टर भी। पूछ, चलो पूछ लो पहले। फिश रजिस्टर फिश का काम करता है, अगर वोल्टेज अगर हद से ज्यादा आ गए वो फिश हो जाएगा, फ्यूज रजिस्टर को क्या जंपर मार सकते हैं? ना मार सकते हैं, बट वो जंपर मारना क्यों नहीं चाहिए? मारना नहीं चाहिए, इसलिए सुरक्षा कम हो जाएगी। बिल्कुल। और कहाँ लगे होते हैं फ्यूज रजिस्टर? कहाँ मिल सकते हैं वैसे नॉर्मल सर्किट में? जनरली कौन सी आईसी के पास मिलते हैं? एक आईसी बताई थी ना मैंने, ऑडियो स्पीकर एम्पलीफायर आईसी। पूछो। कोर रजिस्टर का काम होता है वोल्टेज को कम करके देना, वही होता है। अगर वो चार्जर सेक्शन में लगा रहेगा, जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक चार्जर की आउटपुट नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी, वोल्टेज नहीं निकलेगी। कोर रजिस्टर को हम जंपर मार सकते हैं? नहीं मार सकते। कोर रजिस्टर को जंपर नहीं, जंपर मारेगा तो वोल्टेज नहीं बनेगा, आईसी काम भी नहीं करेगा। मान लो कोर रजिस्टर लगा ही नहीं है, निकला हुआ आया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोर रजिस्टर है? तो कैसा लगाऊंगा कोर रजिस्टर? कोर रजिस्टर आर में जो भी मान है उसको लगा दे। तो जनरली चार्जिंग के आउटपुट में कौन सा कोर रजिस्टर लगा होता है? आर सीरीज का, आर ई का सीरीज का। पूछिए कोई सवाल, पूछिए सवाल। रजिस्टर के कितने प्रकार? अभी तो बताया ना। पूछा, पूछिए भी सवाल। थर्मिस्टर कहाँ लगा होता है? किसी भी जगह में, किसी भी सेक्शन में लगा होता है। जनरली वो चार्जिंग सेक्शन में या फिर ईएमसी के पास या फिर पावर या वो पावर सेक्शन के अंदर मिलेगा, उसकी पहचान कुछ नहीं होती, वो बिल्कुल नॉर्मल रजिस्टर जैसा देखा जाता है। कोई और सवाल पूछो, पूछो। तुम पूछ चुके हो। पैरेलल में उसका टेस्टिंग कैसे करेंगे? रजिस्टर का पैरेलल में कैसे टेस्टिंग करेंगे? एक तरफ से बीप आएगा, एक तरफ से रीडिंग आएगा। ठीक, पूछिए, पूछो। कोर रजिस्टर निकाल के सादा रजिस्टर नहीं लगा सकते, कोर रजिस्टर की जगह में सादा रजिस्टर नहीं लगा सकते, कोर रजिस्टर लगाना है। पूछिए दर्शन कुछ, कोई भी रजिस्टर से हिसाब से कोई सवाल पूछिए, जो भी तुम्हारे मन में है। रजिस्टर की चेकिंग कैसे होगी? रजिस्टर की चेकिंग, वेरी गुड, कोल्ड टेस्टिंग से किया जाता है, एक तरफ से रीडिंग आता है और एक तरफ से भी रीडिंग आता है। ये तो कोल्ड टेस्टिंग हो गई, तुम रजिस्टर की चेकिंग बताओ। रजिस्टर की चेकिंग कंटिन्यूटी दोनों तरफ से आएगा, मतलब कैसा रजिस्टर को कैसे चेक? अगर रजिस्टर को दोनों तरफ से अगर रखेंगे 100 ओम्स के नीचे वाला जो रहेगा तो वो रीडिंग दिखाएगा, कंटिन्यूटी के साथ में दिखाएगा, और अगर 100 ओम्स के ऊपर होगा वो रीडिंग दिखाएगा, अगर कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। वेरी गुड, मतलब रजिस्टर में सीधी सी बात है रेजिस्टेंस आना चाहिए, अगर एक आ रहा है तो ओपन है, ठीक है, अगर 100 ओम से कम है तो वो बीप के साथ में आएगा। रजिस्टर में के की वैल्यू क्या डिफाइन करती है? हजार बताती है।
दो रजिस्टर अच्छा अलग अलग सेम ही होती है। हाँ मतलब जैसे अगर तो सेम ही करता है, जैसे मान लो अगर दो रजिस्टर लगे हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों रजिस्टर 10-10 ओम के ही होंगे, कोई सा भी ओम्स का हो सकता है, एक हो सकता है 10 ओम्स का हो, एक हो सकता है 100 ओम्स का हो, पर वो अलग अलग ट्रैकों के लिए लगा होगा। वो लगा इसलिए देते हैं क्योंकि वो डुअल रजिस्टर चिप जैसे यूज करते हैं, कम अपना सर्किट को मतलब ज्यादा उसमें कंपोनेंट ना लगाने के कारण। कोर रजिस्टर में फंस गया ये चार्जर सेक्शन में होएगा, वैसे कोर रजिस्टर सीखने आया है। कोर रजिस्टर चार्जर सेक्शन में होएगा और सीरीज में ही होगा, वो पैरेलल में नहीं होगा। पहले में सीरीज में नहीं, पहले कोर रजिस्टर कभी भी पैरेलल में क्यों नहीं होगा, इसका रीजन बताओ। पैरेलल में क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मान कम वाला लो वैल्यू रेजिस्टेंस है, वो उसमें लगा दिए शॉर्ट हो जाएगा। वेरी गुड, पूछो किस तरह से बना होता है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ पीएचडी नहीं किया है, सिल्वर क्रोमियम और ये सेमीकंडक्टर पदार्थ। तो वो रजिस्टर का सर्किट सिंबल बता दो। क्या वाह वाह, इनके लिए ताली बजा दो। वेरी गुड। खैर मैंने तुमको लिख के दिया है, उसको याद कर लेना, कहीं कोई पूछने नहीं वाला। ये रजिस्टर है, इसका इससे पहचाना जाता है और इसको ओम से भी काउंट किया जाता है, ये रजिस्टर का सिंबल। वेरी गुड, चलिए पूछो। वीडीआर का क्या होता है? VDR का वर्क बताओ। VDR वोल्टेज कंट्रोल डिपेंडेंट होता है, इसका वोल्टेज को सेट करने से यानी वोल्टेज को पट्टी वोल्टेज को जो वोल्टेज जितना वोल्टेज जाना है उतना ही वोल्टेज जाने देगा और बाकी के वोल्टेज ड्रॉप कर देगा। बिल्कुल, यानी कि 5 वोल्टेज जाना है तो 5 ही जाने देगा, उसकी जगह में 6 आएगा तो अपने आप एक वोल्टेज कम कर देगा। इसलिए VDR हमेशा पैरेलल लगा होता है, पैरेलल लगा होता है, समझ में आ गया। और VDR की वैल्यू हमेशा 100 ओम्स के ऊपर होती है, 10K का 100K का VDR लगा होता है। पूछो। एक रजिस्टर पे 2R2 लिखा हुआ है, 2R2 तो उसकी कितनी वैल्यू होगी? अगर 2R2 यानी 2.2 अगर मुझे 2R2 अगर इस वैल्यू का अगर रजिस्टर नहीं मिल रहा है तो हम क्या उसे किसी और रजिस्टर से चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। 2R2 को हम 2-3R किसी भी रजिस्टर के चेंज कर सकते हैं। ये रजिस्टर हमें कहाँ मिलेगा? मतलब नहीं, कहाँ से निकालोगे रजिस्टर? मान लो एज अ टेक्नीशियन तो मैं कोई दूसरी बोर्ड से निकलेगा या बाजार से मिलेगा? दूसरी बोर्ड से, पुराने बोर्ड से निकाल के हम डाल देंगे। तो पुराने बोर्ड अपने पास रखने पड़ेंगे, जनरली ये सबसे ज्यादा आपको नोकिया की पीसी में मिल जाएंगे और किसी भी चार्जिंग सेक्शन में आपको मिल जाते हैं, पर चार्जिंग सेक्शन में लगने वाले रजिस्टर आर सीरीज के होते हैं, आर सीरीज के होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ताली बजा दो इनके लिए। तो देख, तो कैसा लगा तुमको? मेरे को अच्छा लगा है, 3 दिन हुआ है, एकदम अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने बहुत सारे जगह घूम के इधर आया हूँ, नाम तो बोलना नहीं चाहूंगा, नहीं, 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 मत बोलो। लेकिन यहाँ पे 3 दिन ही हुआ है क्लास, एकदम अच्छा लगा। नहीं, वो जैसे वीडियो आते हैं हमारे और जैसे हम सुनते हैं एशिया टेलीकॉम के बारे में, वैसे ही है कि कुछ अलग है उसके? कुछ अलग है, ये अलग है, कुछ अलग है, बाकी से कुछ अलग है, अलग है। तो आपने जो मतलब पहले दिन आया था तो सोचा था कि एक महीना में क्या कैसा क्या? अभी फिलहाल क्योंकि 3 दिन हुए हैं, टोटल कंपोनेंट बढ़ा दिए पूरे 3 दिन में चेकिंग के साथ में, बताओ कैसे मतलब ठीक है? ठीक है, ये तो कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 दिनों में इतने सारे कंपोनेंट सिखाए और सबको समझाए, ये कहीं नहीं हो सकता है। वेरी गुड, चलिए ठीक है, आ जाओ। वेरी गुड, तो दूसरा हमारा था कैपेसिटर। तो कैपेसिटर दर्शन आओ, ये हमारे साउथ कोरिया से आया ना, साउथ कोरिया से आए, सैफ थे आप वहाँ पर, और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और अभी इनके मैं बताना चाहूंगा कि अभी इनका एक महीना ये जा भी नहीं सकते हैं। कारण क्या है उसका? सर वो आपदा आ गई, आपदा आ गई है, मतलब वो पूरा रास्ते बंद हो गए हैं, मतलब इनका घर पे इस तरह से है कि पूरा ये जा भी नहीं सकते, चाहे तो भी नहीं जा सकते। चलिए ठीक है, तो दर्शन आपसे कैपेसिटर के बारे में पूछेंगे, बताइए पूछे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? कैपेसिटर 2 प्रकार के होते हैं, पोलर कैपेसिटर और नॉन पोलर कैपेसिटर। वेरी गुड, कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम होता है फिल्टर करना। वेरी गुड, पोलर कैपेसिटर कहाँ लगे होते हैं पूछ रहा है? पोलर कैपेसिटर पावर आईसी के, पावर आईसी के पास या फिर बैटरी कनेक्टर के पास, जो कि अभी के फोन में शायद ही देखने को मिलेंगे। पूछिए कैपेसिटर को चेक कैसे करते हैं? कैपेसिटर कौन सा वाला कैपेसिटर? नॉर्मल दोनों कैपेसिटर एक ही कैपेसिटर है। कैपेसिटर को बीप नहीं आनी चाहिए और 20K पे कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। वेरी गुड, 20K पे रीडिंग आने का मतलब क्या होता है? शॉर्ट हो गया, लीकेज हो गया, शॉर्ट होगा तो क्या होगा? बीप आएगा, बीप आएगा। कैपेसिटर
कैपेसिटर का कलर क्या होता है? ब्राउन कलर हो गया, साइड साइड सिल्वर मतलब ब्राउन का। पूछो, वेरी गुड, पूछिए। कैपेसिटर का पहचान क्या है? पहचान क्या है? सेम चीज बताया उसने कि ब्राउन कलर का दिखता है कैपेसिटर। काम क्या करता है? काम बताइए, फिर से बता दीजिए। फिल्टर का काम करता है। क्या फिल्टर करता है? डीसी को फिल्टर करता है और एसी को कचरे को निकाल देता है, इसलिए स्टोर भी करता है और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी करता है कैपेसिटर। कैपेसिटर को निकाल के जम्पर लगा सकते हैं क्या? नहीं, कैपेसिटर को कभी भी जम्पर नहीं लगाते हैं, ना ही वो पैलर में लगाओ चाहे वो सीरीज में लगाओ। ठीक है, और कैपेसिटर से जुड़ा, कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो क्या करने का है? वेरी गुड क्वेश्चन, निकाल दो, रिमूव कर दो, रिप्लेस करो, ये हमेशा ध्यान रखो। क्यों? मतलब ऐसा तो हर सेक्शन में अपन तो निकाल सकते हैं और रिप्लेस भी अगर नहीं भी करेंगे तो फोन चालू रहेगा, पर क्यों? आईसी का प्रोटेक्शन बना रहे, फिल्टर बना रहे, बट कहीं कहीं जगह हम जैसे बोलते हैं कि लाइट सेक्शन में कैपेसिटर रिप्लेस होते ही है, वहां पर रिमूव नहीं होते, उसका कारण क्या है? कारण बता दो। प्योर डीसी चाहिए और बूस्ट वोल्टेज नहीं बनाया, इसलिए डेड भी हो जाते हैं मोबाइल जो, और डेड क्यों होते हैं? क्योंकि पावर आईसी के बगल में क्या लगी होती है? बहुत सारी बूस्ट कॉइल, और उसके बगल के कैपेसिटर अगर हम निकाल देंगे शॉर्टिंग के टाइम पे तो वो हमारा मोबाइल फोन क्या हो जाएगा? डेड। तो यू हैव टू रिप्लेस दिस कैपेसिटर, डेड कैपेसिटर वन। ठीक है, वेरी गुड। तो पूछो, कैपेसिटर और कंपोनेंट्स का कैसे पता करेंगे कि वो पैरेलल में या सीरीज में? वेरी गुड, मतलब ये तो एक सवाल बहुत अच्छा हो गया। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पैरेलल और सीरीज कैसे पता करेंगे। खैर मैं इस पर बात नहीं करेंगे, पता है ना आपको? ठीक है, गुड। पैरेलल और सीरीज कैसे पता करते हैं? नॉर्मल कोई से भी कंपोनेंट, पता है ना आप लोगों को? ठीक है, पूछिए। और वैसे हालांकि हमने हार्डली सारे सवाल ही पूछ लिए कैपेसिटर पे, इतने सारे सवाल हमने पूछे। तो दर्शन, आपने ये सब पहले से पता था क्या आपको? सर पहले से पता नहीं था, खाली यूट्यूब में देखा था, जहाँ पर तीन दिन में मुझे काफी कुछ सीखे हो। प्रैक्टिकल भी किया ना, सीखे की कि सिर्फ प्रैक्टिकल बोल बोल के सीखे बस? नहीं, प्रैक्टिकल रात में भी किया, यहाँ पे भी किया, बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। अच्छा, चार्जिंग कनेक्टर लगाया आपने? चार्जिंग कनेक्टर और जंपर लगाना तो मैं एक दिन में ही सीख गया हूँ यहाँ। और रात में कितने बजे प्रैक्टिकल करवाते हैं इसे टेलीकॉम वाले? सर 8 बजे से रात में 12 बजे। मैं आता हूँ कि कौन आता है? सर राजेश सर, राजेश सर आते हैं हमारे। ये देखिए दोस्तों, राजेश है हमारे। राजेश के बारे में बोलना चाहोगे क्या? कि राजेश के बारे में कि ये हमारे इंस्टीट्यूट में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंस्टीट्यूट में आपको रात के 12 बजे भी स्टूडेंट को क्लासेस करवाई जाती है। नींद आती है तो उठवा कर क्लास करवाते हैं, जेल है ये तरह से, क्योंकि हम चाहते हैं कि सीख कर जाए, नहीं तो फिर 3 महीने में भी आदमी बच्चा नहीं सीख पाएगा। अगर हम जब तक सिखाने वाले सही तरीके से मजबूत नहीं होंगे तो सीखने वाला तो फिर 3 महीने भी बैठेगा तो भी नहीं सीख पाएगा, वो भी उल्लू ही बनेगा तब भी। थैंक यू वेरी मच, एक बार ताली बजा दीजिए। डायोड, ठीक है, डायोड के बाद में हमारा वीडियो डायोड तक रहेगा। आ जाओ, क्या अपना ट्रांजिस्टर हो ही गया है, बेस कपलर कोई भी आके बता देगा, तू बता देना। डायोड बताइए, पूछिए डायोड, पूछो रे तू, पूछ डायोड, तुम ही पूछो। हाँ, व्हाट इज जिनर डायोड? दो सभी कनेक्टर डिवाइस को मिलाकर जो एक क्रिस्टल संरचना बनती है उसको जो हम डायोड कहते हैं। जिनर डायोड पूछ रहा है, जिनर डायोड का काम बताओ। जिनर डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है, ये हमारे से वोल्टेज को रेगुलेट करके, से अगर 6 वोल्ट की सप्लाई आ रही है मुझे 4.2 वोल्ट की भेजना है तो हम उस जो वैल्यू का जो डायोड लगाएंगे तो आगे फिर हमें 4.2 वोल्ट ही फॉरवर्ड बायस में भेज जाएगी, बाकी का वो जो है उसको जो भी ड्रॉप करा देगा। इसके बाद जो रिवर्स बायस में जो अपने डिप्लीशन लेयर को बढ़ा देगा डायोड, और वोल्टेज को जो है रिवर्स नहीं आने देगा। वेरी गुड, जिनर डायोड शॉर्ट हो गया तो क्या करना है? तो रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस कर सकते हैं। पूछो, सभी डायोड एक जैसे होते हैं क्या? पहचान एक जैसी होती है क्या? नहीं, डायोड के भी कई टाइप्स होते हैं। डायोड में जो क्या पे एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड होता है, एक लाइट एमिटिंग डायोड होता है, और एक जिनर डायोड होता है। और डायोड में छोटे डायोड होते हैं, बड़े डायोड होते हैं, मतलब वो छोटे साइज के भी होते हैं और बड़े साइज के भी होते हैं। डायोड में 2 लैग होते हैं बेसिकली, है ना? अगर डायोड की पट्टी जो दिखाई देती है जैसे, वो तो हम समझ लेते हैं कि प्लस माइनस है, नहीं दिखाई दे रही है तो कैसे पता चलेगा कि प्लस माइनस क्या है? टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग से हमें पता चल जाता है कि एनोड किधर है और कैथोड किधर है। पूछो, डायोड को कैसे चेक करते हैं? डायोड को चेकिंग, नॉर्मल डायोड
सारे डायोड की चेकिंग है, बताइए। नॉर्मली डायोड को चेक करने के लिए हम उसे मल्टीमीटर को बीप मोड पर डालेंगे और उसको जो है कि प्रोब को उसके जो है कि दोनों टर्मिनल पर रखेंगे। अगर हमें वैल्यू मिलता है तो फॉरवर्ड बायस है, और जब हम उसको जो है कि प्रोब को चेंज करेंगे, अगर हमें वैल्यू अगर जीरो आती है तो वो जो है कि जीरो नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आती है, ओपन ठीक है। और जो से टर्मिनल होते हैं इलेक्ट्रिकल में, उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, बेसिकली एनोड इलेक्ट्रोड और एक कैथोड, दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं। पूछो डायोड का काम क्या होता है? डायोड का काम जो है रेक्टिफिकेशन भी होता है और वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इसी को रेक्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा काम होता है स्विचिंग, स्विचिंग करने का काम होता है। डायोड मिलता कहाँ पर है? ये हमारे जो है डायोड कौन सा सीरीज की पैलर 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 कहाँ मिलता है? ये हमारे जो है कि सभी सेक्शन में है पैलर, तो पैलर तो क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए लगा जाता है। सीरीज पूछो, सीरीज ये हमारे चार्जिंग सेक्शन में और डिस्प्ले लाइट सेक्शन में क्यों लगा होता है? लाइट सेक्शन में इसलिए लगा होता है बूस्ट कॉइल के साथ की आने वाला बूस्ट कॉइल बूस्ट को वापस वापस जो है कि हमारे ना भेजे। और चार्जिंग में क्यों लगा होता है? चार्जिंग में इसलिए लगा होता है कि आईसी से आने वाली जो है बूस्ट कॉइल से सप्लाई होती है, उसको वापस जो है कि फिर रिवर्स ना करें, मतलब चार्जिंग नहीं चार्जिंग आने से आने वाली जो सप्लाई होती है उसको रिवर्स ना करें। और क्योंकि चार्जिंग में कई बार फेक चार्जर लगाते हैं, उसमें भी एसी का कचरा जाता है, तो वो भी रेटिफाई कर दे उसको। वेरी गुड, पूछो जीरो डायोड कौन से सेक्शन में लगा मिल सकता है? चार्जिंग में तो सीरीज में, बाकी तो सभी जगह पैलर में आपको हर जगह देखने को मिलेगा, स्पीकर रिंगर माइक सब में आपको जीरो डायोड पैलर में मिल जाएगा। कोई सवाल कुछ भी पूछिए, कोई सवाल डायोड से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछिए, सबको सब आता है क्या? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हार्डली इन्होंने सब बता दिया, ताली बजा दे। कहाँ से आए हो आप? सर हम सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आए। अच्छा ये बताओ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, मतलब आपने जो एसी टेलीकॉम सोच के आए थे वो मिला आपको? उससे कुछ ज्यादा मिल गया। मिला आपको ज्यादा, वेरी गुड। मतलब मैं यही चाहता हूँ कि बहुत सारे, क्योंकि आप लोग ये सोचते होंगे एक महीने में क्या होगा, हम भी जा रहे इतनी दूर जबलपुर में, लोग तो यार कितने सारे इंस्टीट्यूट से आए हैं और देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आए हैं, हम इनके क्या बोले, हम उनका नाम नहीं बोल सकते, नहीं तो हम बोलते तो, पर क्या बोलो, कैसा लगा, मतलब सीखा कि नहीं सीखा यहाँ पर? सर आज ये भी हम नहीं कह सकते, आज हमारा 3 दिन भी पूरा नहीं हुआ है, ढाई दिन हमारे पूरे हुए अभी यहाँ बैठे हुए, और कंपोनेंट्स के बारे में जो है कि सारी जो है, और ये भी बताया प्लस नॉर्मल कंपनी भी बताया, ये भी बताया प्लस नॉर्मल कि वो नॉर्मल रजिस्टर नॉर्मल ट्रांजिस्टर नॉर्मल डायोड, कि कम से कम टीवी में लगा डायोड भी तो चेक कर लोगे ना, क्या लोगे एक बताओ, एक दिन में आपने बोलते एक दिन में ही सीखा था आपने सारी नॉर्मल डायोड और ना सारी चीजें। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आ जाओ। तो आ जाइए, ये हमारे यहाँ पंजाब से लुधियाना लखबीर लखबीर से, ये हमें बताएंगे, आप बताइए इनसे, ट्रांजिस्टर पूछिए इनसे और ये कॉइल कपलर सब बताएंगे, बताइए पूछो। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं दिखा दो, तो ये सर्किट सिंबल बनाया है और मोबाइल पीसीबी में कैसे दिखाई देते हैं? ठीक पूछो, ट्रांजिस्टर को चेक कैसे करते हैं? दोनों का सवाल एक ही था, उसका तुम्हारा भी सवाल क्या था? इसको चेक किस तरह किया जाता है? ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए मान लो ये बेस हो गया, ठीक है, तो इसको हम एन मान लेंगे और ये इमिटर हो गया तो इसको हम पी मान लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हमारा इधर से आता है तो यहाँ से आता है तो ये पॉजिटिव हो गया, पीएनपी हो गया। अगर हमारा इधर से एन नेगेटिव से जा रहा है पॉजिटिव की तरफ जो है एनपीएन हो गया। वेरी गुड। पीसीबी में जो लगा होता है उसका कैसे चेक करते हैं? पीसीबी में लगा ट्रांजिस्टर लगा होगा, ये सी हो गया, ये लेफ्ट साइड वाला हो गया, ये मीटर हो गया और ये एन हो गया, ठीक है। तो हम अपना मल्टीमीटर बी मोड पे सेट करके इस पे रखेंगे, अगर हमारा वैल्यू इधर ज्यादा है, मान लो 500 है इधर, अगर इधर 1500 आया तो जो लो वैल्यू होगा वो हमारा नेगेटिव की तरफ होगा तो एनपीएन होगा हमारा ट्रांजिस्टर। अगर इधर 1500 आ रहा है और इधर 500 आ रहा है पॉजिटिव की तरफ, हमारा ये पीएनपी होगा। जिधर वैल्यू ज्यादा आएगा वो होगा नेगेटिव होगा, जिधर कम आएगा वो जिस साइड कम आएगा पॉजिटिव। और ओपन होगा तो क्या होगा? ओपन होगा तो एक आएगा, और बीप शॉर्ट होगा तो बीप आएगा, बीप आएगा। बताइए ये यात्रा अभी तो चार्जिंग एसी में लगाता है और एम्पलीफायर भी करता है और रेगुलेटर भी करता है, स्विचिंग का काम भी करता है। वेरी गुड। ट्रांजिस्टर
पूछो। ट्रांजिस्टर किस प्रकार से बनता है? ट्रांजिस्टर किस प्रकार? दो डायोड को मिलाकर बनाया जाता है। गुड, चलिए ठीक है, ताली बजा दीजिए एक बार। अब इनसे बात करते हैं कॉइल और कपलर। कॉइल पूछिए कोई। कॉइल कॉइल क्या होता है? पहचान पहचान बता दो। कॉइल कॉइल रंग बिरंगे होते हैं, फुग्गे जैसे। कॉइल ब्लैक कलर का होता है और एनी कलर का भी हो सकता है, रेड ब्लैक टू कलर थ्री कलर जो भी है सब कलर का हो सकता है। सभी कलर का हो सकता है। कलर का उसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वैसे तो जो करंट आ रहा है उसको स्मूथ रखता है, स्थिर करंट भेजता है आगे और अपना बस यही करता है, बैलेंस करता है, बैलेंस करता है। पूछिए कॉइल कितने प्रकार की होती है? कॉइल दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल कॉइल और बूस्ट कॉइल। नॉर्मल कॉइल और बूस्ट कॉइल पूछो। पहचानेंगे कैसे इन दोनों को? चलो ये पूछ लिया, पहचानेंगे कैसे इन दोनों को, किन दोनों को? बूस्ट कॉइल, हाँ बूस्ट कॉइल को कैसे पहचानेंगे? पीसीबी में नॉर्मल कॉइल छोटे साइज का होगा और बूस्ट कॉइल बड़े साइज का, बड़े साइज का होगा। आईसी ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा बटन जैसा होगा, गोला जैसा। डिस्प्ले सेक्शन पे जो बूस्ट कॉइल होता है, लाइट सेक्शन का, बड़ा कर आगे भेजता है, बूस्ट करता है। पूछिए और एक और पावर सेक्शन में, दो बड़े सेक्शन में बूस्ट कॉइल की चेकिंग करेगा। अगर लीकेज होगा तो कैसे पता चलेगा? वैल्यू 1000 से ज्यादा आएगी। ठीक नहीं, 2.52 अपना कॉइल है ना, ये कॉइल है तो अपना इसको 0.5 से लेके 2.5 नीचे या फिर ऊपर आएगी। ठीक, बूस्ट कॉइल पे क्या जम्पर लगा सकते हैं? बूस्ट कॉइल को रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, वो भी सेक्शन वाइज, मतलब पावर सेक्शन से निकाला तो पावर सेक्शन से और डिस्प्ले सेक्शन से तो डिस्प्ले सेक्शन से। फिर हाँ जम्पर कर सकते हैं, बट पैलेट में नहीं। पैलेट में कहाँ लगे मिलते हैं? पैलेट में मिल जाते हैं नॉर्मली, बट वो हर सेक्शन में नहीं, बट सारे सेक्शन में नहीं मिलते, बट नॉर्मल आपको पैलेट मिल जाएंगे, जैसे नेटवर्क सेक्शन में मिल जाएंगे और फ्रिक्वेंसी के सेक्शन में मिल जाएंगे पैलेट, फ्रिक्वेंसी के सेक्शन में। कपलर बताइए, कपलर पूछिए। कपलर कहाँ मिल जाते हैं? कपलर जिसको डिस्प्ले एरे भी बोलते हैं, कपलर डिस्प्ले सेक्शन में लगे होते हैं, डिस्प्ले सेक्शन में कनेक्टर के पीछे लगे, सीरीज की पैलर सीरीज लगे होते हैं, कैमरे कनेक्टर के, कैमरे केबल पे, कैमरे जो कनेक्टर होता है उस पर भी लगे होते हैं। कपलर का काम क्या होता है भाई? कपलर कॉइल के कॉम्बिनेशन को कपलर बोलते हैं, बस दो या तीन कॉइल को एक साथ जोड़कर बना दिया जाता है, बस। पूछो। कपलर निकाल के जम्पर कर सकते हैं? अगर अपना ओपन हो गया, कैसा दिखता है कपलर दिखा दो, बाल दिखा दीजिए। कपलर कॉइल कॉइल ड्यूअल कॉइल भी आती है, तो ये भी सीरीज में लगी होती है। कैसे पता चलेगा सीरीज में? मान लो दोनों पर सीरीज में, कैसे पता चलेगा कि सीरीज में है कि पैलर में? सीरीज में रहेगा तो दोनों साइड वैल्यू देगा, वैल्यू देगा। अगर मान लीजिए एक साइड वैल्यू आया 340 और एक साइड वैल्यू आया 350, तो वे क्या प्रॉब्लम है? तो लीकेज है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, ताली बजा दीजिए। तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा है, और मैं पंजाब तो आया लगभग एक तीन दिन हुए, मैंने तीजा दिन लगभग, मैंने पहला लगता नहीं सीखा भी एक महीने कंप्लीट हो जाएगा, पर बहुत बढ़िया लगे। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आ जाइए। तो राजेश साहब, तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसको जरूर बुलाऊंगा इस बार सेक्शन में, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जो आपने सीखी इसमें इनका भी हाथ है, क्योंकि अगर हम दिन में यहाँ पे आपके साथ रहते हैं और तो ये रात में 8 बजे से 12 बजे तक ये आपके साथ में आता है और अपनी रात को काली करके आपकी रात को सुहावनी बनाता है। यहाँ पे जब से हम लोग आए थे तब से बारिश हो रही थी और राजेश सर जो है कि रेनकोट पहन कर आके हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं। हाँ राजेश ढीठ हो गया अब। राजेश क्यों? राजेश बताओ क्या इम्प्रूवमेंट देखा तुमने? तुम भी एज ए स्टूडेंट आए थे यहाँ पर और तुम थोड़ा पास आओ, तुम थोड़ा स्टूडेंट आए थे और तुमने क्या इम्प्रूवमेंट देखा यहाँ पर? किस तरह से क्या इम्प्रूवमेंट आया, मतलब जब तुम पहली बार आए थे सीखने और अब तुम यहाँ हो मेरे साथ,
एज मेरे कहाँ काम करते हो एज असिस्टेंट हो मेरे, तो क्या इम्प्रूवमेंट आया एसे टेलीकॉम में, क्या इम्प्रूवमेंट आया जो दूसरे इंस्टीट्यूट शायद नहीं ला पाते हैं किसी कारण? देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि हर महीने एक ही चीज़ उसी को रिपीट करते रहें, ये सर की मेहनत है और कोई भी चीज़ होता है वो रिसर्च करके, मतलब हर महीने एक नया अपडेट, मतलब ऐसा नहीं कि वही 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 रिपीट हो रहा है हर महीने, एक एक टॉपिक तैयार कर लिया गया और हर बार वही बताया जा रहा है, और सर के साथ में रहते रहते और मेरी भी वो आदत पड़ती जा रही है जो मेहनत एक करने की है, कि मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे से मतलब है या फिर इंस्टीट्यूट में अपना सिर्फ जो एक फंडा होता है अदर इंस्टीट्यूट का कि दो घंटे क्लास कर लिए उसके बाद कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम का मेन काम है कि अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो आप परफेक्ट होके जाओ, सेटिस्फाई होके जाओ, उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम वो तैयार हैं, बस आप वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितने तैयार हो, हम देने के लिए तैयार हैं, बस वो आपके ऊपर डिपेंड है आप भी लेने। याद है वो राजेश पहले अपन दो महीने तीन महीने पहले अपन बोलते थे ना कि अपन ने एक लाइट सेक्शन का वीडियो बनाया था जिसमें हमने स्टूडेंट से बोला, उस स्टूडेंट ने खुद ही बोला था कि अगर आप हार्ड वर्किंग है तो ही आइए, हाँ अगर अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है तो यहाँ मत आइए। वो लाइट सेक्शन का एक वीडियो बनाया था हमने, वो एक स्टूडेंट आया था वो बिहार से राहुल, राहुल पे हमने वीडियो बनाया था, राहुल ने आखिरी में कहा था कि अगर आप हार्ड वर्किंग कर सकते हैं तो आइएगा वरना मत आइएगा, है ना सही है ये बात, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्किंग में बिलीव नहीं करते हो अगर आप तो इधर में मत आओ, फिर ये आपके लिए है ही नहीं, फिर आप पढ़ ही नहीं पाओगे, फिर कर ही नहीं पाओगे, फिर आपके लिए तीन महीने का कोर्स करो फिर वो बेस्ट है, आराम से सो कर। मानसिकता बन चुकी है लोगों में कि मोबाइल पेयरिंग मतलब दो घंटे की क्लास, हाँ जो भी पूछता है बस दो घंटे की क्लास, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि दो घंटे की क्लास, सीखने की ट्रिक भी होती है टेक्निक होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी जबरदस्ती सिखाया जा रहा है और दिमाग में आ नहीं रहा है और हम बैठे हैं मतलब मैं छह घंटा और मैं समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है, हम तो रिवाइज भी इसी सेक्शन में कर लेते हैं, मतलब रिवाइज भी ऐसा नहीं है कि घर जाके रिवाइज करते हैं, मैं तो आपको रिवाइज इसी क्लास में रिवाइज करवाता रहता हूँ, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ऑडियो का आउटपुट है आपके पास पूरी क्लास का, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो राजेश के साथ भी जुड़ के बहुत अच्छा लगा, अभी राजेश आने वाले दिनों में आपको आईसी रिबॉलिंग बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, ये बहुत एक्सपर्ट हो गए यहाँ पर। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सीखा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको यहाँ आना है तो आप आ सकते हैं, 28 तारीख का बैच चालू है, अगर हम आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं तो आप SMS कीजिए, और SMS नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी आपसे बात बिल्कुल ना हो पाए। थैंक यू वेरी मच, जुड़े हैं चैनल से, जय हिंद जय भारत। नमस्कार বন্ধুসকল, মই বকুল লস্কর অসমৰ পৰা আহিছো মধ্যপ্ৰদেশ জবলপুর, ইয়াত আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে এছিয়া টেলিকম ষ্টুডেণ্ট বন্ধুসকল, আজি মই এখন কিতাপ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ আগত, যিখন কিতাপ নেকি মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ কিতাপ হয়, এইখন কিতাপ যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক এটা আছে, লিংকত আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল বিশেষকৈ কথা হ'ল কি আমাৰ ছাৰে যিখন এখন বুক বনাই এখন কিতাপ বনাইছে, কিতাপখন মানে যাৰ কাৰণে ধৰি লোৱা কোনোবা মানুহ ইমান দূৰলৈ আহিব নোৱাৰে, পইচা পাতি প্ৰব্লেম আছে, কাৰোবাৰ মোবাইল ৰিপেয়াৰিং শিকিবলৈ বহুত মানে হেৰি আছে, কাৰোবাৰ যদি বহুত মন আছে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং শিকিবৰ কাৰণে, যিসকল আমাৰ ষ্টুডেণ্টলৈ আহিব নোৱাৰে সিহঁতৰ কাৰণে বহুত ভাল এখন ৰিপেয়াৰিং কিতাপ আহিছে, এইখন হাৰ্ডৱেৰ অলৰেডি ভালকৈ লিখা আছে, আৰু এইখনৰ ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে একো তেওঁলোকে বনোৱা নাই ছাৰে, আৰু ছফ্টৱেৰৰ কাৰণে যদি শিকিব বিচাৰে ছাৰে আৰু এখন বহি বনাই আছে, কিতাপ বনাই আছে ছফ্টৱেৰৰ কাৰণে, আৰু এইখনত হাৰ্ডৱেৰ এইখন দিলে আপুনি ভালকৈ একদম হাৰ্ডৱেৰ ভালকৈ শিকিব পাৰিব, ইয়াত হাৰ্ডৱেৰৰ একদম অলৰেডি চব লিখা আছে, এইখন আমাৰ ভালকৈ এবাৰ চাব পাৰিব, এইখন কিতাপত একদম ফটোৰ লগত ইমেজৰ লগত দিয়া আছে, একদম ভালকৈ চব লিখা আছে, মিটাৰ চিটাৰ একদম ভালকৈ যি লাগে কম্পনেণ্ট যি আছে চব দিয়া আছে, এইখনত ভালকৈ শিকিব পাৰিব। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी एप्स आपको मिल जाएंगे, इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 Certify Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.